राजस्थान चित्तौड़गढ़ जिले के प्रख्यात कृष्णधाम श्री सालियस जी मंदिर में गोवर्धन पूजा महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। यहां मंदिर की गौशाला में गोवर्धन पूजा किया गया, नंदी को नहलाकर सजाया और श्रृंगार किया गया, बाद में नैवेद्य खिलाकर पूजा की गई। इस दौरान मंदिर बोर्ड के पदाधिकारियों के अलावा बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग मौजूद रहे। वहीं गोवर्धन पूजा में आए सजे धजे नंदी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र भी रहा। जानकारी में सामने आया कि इस बार दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर मंगलवार को श्री सालिया जी मंदिर से करीब 2 किलोमीटर दूर स्थित मंदिर की गौशाला के प्रवेश द्वार पर गाय के गोबर से भगवान गोवर्धन तैयार किए गए। 3 से 4 किलोमीटर लंबे गोवर्धन सभी के लिए आकर्षण केंद्र रहा। शाम करीब 4 बजे गोवर्धन पूजा किया गया। इस दौरान श्री सावलिया मंदिर बोर्ड के अध्यक्ष भैरूलाल गुज्जर, सदस्य अशोक शर्मा, संजय मंडोरवा, भैरूलाल सोनी, मंदिर के प्रशासनिक अधिकारी नंदकिशोर टेलर, गौशाला प्रभारी कालूलाल तेली आदि ने मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान से पहले गोवर्धन पूजा किया गया, बाद में नंदी का पूजा किया और नैवेद्य खिलाया गया। वही गोवर्धन पूजा देखने के लिए श्री सावरिया जी कस्बे सहित बड़ी संख्या में आसपास के लोग पहुंच रहे थे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस का जाब्ता भी तैनात किया गया था। मंदिर की सुरक्षा गार्ड भी तैनात रहे। नंदी को भड़काने के लिए युवा आतिशबाजी भी कर रहे थे। गोवर्धन पूजा के बाद सजे धजे नंदी को पुनः गौशाला में ले जाया गया। ये काफी वर्षों से ये परंपरा चल रही है और गोवर्धन का महत्व बहुत बड़ा इस माना जाता है। गौशाला में इसका बहुत धूमधाम से मनाया गया है और गायों को लापसी का भोग भी धराया गया है और काफ़ी तादाद में गाँववासी और यात्रीगण भी उपस्थित रहे और उनकी सानिध्य में ये गोवर्धन पूजा का आयोजन हुआ। एवं अब रात को अन्नकूट महोत्सव का मंदिर में 10 बजे आयोजन किया जाएगा। गोवर्धन काफ़ी उत्साह है लोगों में। गांव से भी यहाँ 3 किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी कोई पैदल आ रहा है, कोई बाइक से आ रहा है, लेकिन यहाँ आए काफ़ी तादाद में संख्या में यहाँ ग्रामीण और यात्रीगण उपस्थित रहे।